तो पिछले 3 साल पहले अगर आप ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर आ चुके होंगे, तो आपकी 3 साल पहले की जो स्थिति थी वो देखिए, और आज की आपकी स्थिति क्या है। इन 3 सालों में हम इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, इतना ज्यादा टेक्निकली साउंड हो चुके हैं, और हमने ये जो 3 सालों में ये जो चीजें सीखी है, और आगे जब फ्यूचर में हम सारे प्रोडक्ट को, सारे सॉल्यूशंस को जब हम हैंडल कर रहे होंगे, और उस वक्त जो हम चीजें सीखेंगे, तो उन सारी चीजों का हमारे आने वाली पीढ़ियों पर कितना ज्यादा टेक्निकली असर होगा, कितने ज्यादा हम टेक्निकली साउंड होंगे, और हम टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा कनेक्टिविटी में रहेंगे ऑन पैसिव के साथ। तो थैंक यू सो मच, मैं शायद ज्यादा बोल गया, हम आज सिंधु सर को सुनने आए। ओवर टू अजय जी। थैंक यू सर। और आपने जो भी अपडेट्स दिए हैं वो डेफिनेटली इस वक्त पे हर एक फाउंडर को, अगर वो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर एक्सपेक्ट करता है, ब्रांड एम्बेसडर की तरह उसे बिहेव भी करना होगा। अगर वो कंपनी से एप्पल्स की उम्मीद कर रहा है तो कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है उसे वो भी समझना होगा। एप्पल्स तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम में एंटर हुए हैं जहाँ बाई डिफॉल्ट है हमें हम उसको खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन ये एप्पल से हमारा नाता है, ये छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, हमारे बीच लीजेंडरी हमारे वेटरन सर साधु सिंह शेखू जी आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है पूरा भारतवर्ष आज फिर से एक बार अतुल्य भारत के इस मंच से उनको सुनना चाहेगा। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा उनने आज जो ये कीमती वक्त हमें दिया है, और इस कीमती वक्त को लेडीज एंड जेंटलमैन हम सभी के लिए किस तरह से वो बेहतर बनाने वाले हैं वो आने वाले पलों में आप सभी जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा साधु सिंह शेखू सर की तरफ, और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे बीच सर देवीलाल जी, सर राजेंद्र भटकर जी और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं, वो भी उनसे भी हम शेयरिंग लेंगे, लेकिन आज स्पेशल हमारे गेस्ट जो मौजूद है सर साधु सिंह शेखो जी, चलते हैं उनकी तरफ। सर स्वागत है आपका मंच पर, और अगली आवाज लेडीज एंड जेंटलमैन इस मंच अतुल्य भारत के मंच से होगी वो होगी साधु सिंह शेखो जी की। ऑन पैसिव नमस्कार सर को। जी जी नमस्कार एंड माय गुड इवनिंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस बिजनेस इन दिस मीटिंग टुडे। एंड मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शर्मा ब्रदर्स का, जिन्होंने आज मुझे दूसरी तीसरी बार मौका दिया है अपने इस मंच पर मैं कुछ कहूँ। मेरे से तो बड़े बड़े धुरेंद्र भाई यहाँ मौजूद हैं आज, मैं शायद उनकी वजह से कोई डर डर जाऊँ या बोल ना पाऊँ अच्छा सा, इसलिए मुझे माफ़ करना। जस्सी जी हाजिर हैं, देवीलाल जवान साहब हैं, गावंडे साहब तो खैर अनूप गावंडे जी तो बहुत वेरी नाइस, उनका टेक्निकल नॉलेज है तो। लेकिन आज शर्मा ब्रदर्स ने मुझे इकट्ठा कॉल करके बताया है कि मैं अपनी आज फिर दोबारा से थोड़ी सी लो थिंकिंग हो गई है लोगों की, कि उसके बारे में थोड़ा अप कैसे कर सकते हैं, तो उस पर मैं अपने कुछ विचार रखूँ। तो मैं अपने आप को उसी तरीके से मैंने थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, टेक्निकल नॉलेज तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं तो अनूप गावंडे जी को लेक्चर इनके सुनता रहता हूँ और उनको फोन लगा के पूछता भी रहता हूँ। तो मैं तो थोड़ी सी वैसे कुछ बातें बताऊंगा आपको मेरी अपनी स्टाइल के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वैसे तो इन्होंने दिया है स्ट्राइड अप ग्रेजुअली। स्ट्राइड का अर्थ होता है स्टेप या पेस, जिसको इंग्लिश में दो वर्ड हैं, या इसको हिंदी में कहें तो कदम। अप का मतलब ऊपर की तरफ और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया, अच्छी लगा मेरे को उनका एक टॉपिक आज का, कि आप किसी भी बिजनेस में अगर हैं तो आप एक धमाके से एक की जंप के साथ उसकी तरक्की नहीं कर सकते हैं, आपको ग्रेजुअली ऊपर जाना पड़ेगा। एक कोई अगर किसी ने 2 मंजिली बिल्डिंग भी बनाई है ना, तो उसकी भी स्टेयर्स होती हैं, तो उसके ऊपर हम एक एक कदम रख के ऊपर चलते हैं, आगे जाते हैं और फिर जाकर के लास्ट में अपन पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये हमारा जो बिजनेस है, जो दुनिया का टॉप बिजनेस है, मैं इसकी कुछ खासियतें भी आपको बयान करूंगा। इसको समझने के लिए बहुत कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है। वैसे तो 3.5 साल से 3 साल से हमारे ग्रेट लीडर्स इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वेबिनार लेते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेंटल कैलिबर है ना, वो काफी इतना अपडेटेड नहीं है। उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, कोई ज्यादा एजुकेशन उनके पास नहीं है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, या वो ज्यादा सुनते नहीं हैं, या फिर उनका स्टैंडर्ड इतना लो है कि वो, जैसे मैंने 1 महीना पहले भी इसी मंच पे एक दिन में बोल रहा था, तो मुझे लास्ट में किसी ने क्वेश्चन किया कि साहब मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद भी आपका ये सवाल है,
कि क्या मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। तो इन सब की जो वजह है ना, वो वजहों के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। और मैं उससे पहले मैं हमारे ग्रेट लीडर जस्सी जी देवीलाल चौहान साहब और रूप गवंडी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि वो आज मेरे को सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव रहने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। एक आपने कभी एक बिहार से हैं वो मिस्टर शिव खेड़ा, आई डोंट नो कि कितने लोग उसको जानते हैं और कितने लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी एक, उसका नाम था इंग्लिश में यू कैन विन और हिंदी में नाम था उसका जीत आपकी। देखिए किताबें तो बहुत होती हैं दोस्तों, किताबें हमारे मित्र हैं, और कुछ कुछ किताबें तो फिक्शन होती हैं, फिक्शन जिसको बोलते हैं मन कल्पक घटनाएं होती हैं उनको राइटर लिख देता है, लेकिन कुछ एक बुक्स ऐसी होती हैं जिनको PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स बोलते हैं, वो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। कैसे कैसे लोग नीचे दर्जे के लोग जो बिल्कुल धरातल पे थे, उन्होंने अपने कैसे जिंदगी को अप किया, किस हर्डल्स को पास करके, कैसी स्थिति के अंदर से गुजर करके, कैसे हार्ड टाइम को उन्होंने गुजारा और फिर एक मंजिल को हासिल किया, ऐसा ज्ञान हमें उन किताबों से मिलता है। वो किताब हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम अपना मेंटल लेवल अप रख सके, और हमें थोड़ा पेशेंस हो जाता है, धीरज हमारे अंदर आ जाता है कि बहुत बड़ी कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। आपको एक छोटा सा मैं उसमें एक किताब का एक पॉजिटिव एग्जांपल देना चाहूंगा। उसी बुक के अंदर एक स्टोरी थी कि एक कर्नल साहब थे कि अंग्रेज, आप सब उसका सब नाम जानते हो, कुछ हार्लैंड सॉन्डर्स उनका नाम था, हार्लैंड सॉन्डर्स। अगर उसको आप नहीं जानते तो एक चीज जरूर जानते होंगे सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, KFC चिकन्स, KFC चिकन। वो KFC चिकन के मालिक कर्नल सॉन्डर्स थे। तो उनकी कहानी कुछ इस प्रकार की है कि वो जब बूढ़े हो गए, मेरे से भी उनकी उम्र ज्यादा थी, मैं अभी 63 साल का हूँ, वो 65 साल के थे, तो उन्होंने बोला भी मुझे कोई कंपनी नौकरी देगी नहीं, पैसा मेरे पास है नहीं। उनकी जेब में एक सौ डॉलर का मतलब सौ रुपया। तो उसने बोला कुछ नहीं कर सकते। तो उसने अपने एक पीछे सोचा कि मेरी नानी की मुझे एक रेसिपी याद है, तो उस रेसिपी को उसने दुनिया को बताना चाहा कि चलो देखते हैं शायद इसी में सफलता मिले। तो उसने जो है अगले दिन झोला लटकाया और दुनिया के गेट खटखटाने शुरू कर दिए, किसी ने भी उसकी बात सुनी नहीं। पहले दिन 10-20 गेट खटका के वापस आ गया, नहीं सुना। लेकिन बंदे का ये कि जो उसमें से चीज हमने सीखनी है उसको सीखना क्या है हमने, कि वो कितना मेंटल एटीट्यूड था उसका, कितना अप था वो, कितना पॉजिटिव था इसके बारे में। वो डेली जाता है, लोगों से ना सुन के वापस आ जाता है, डेली जाता है ना सुन के वापस आ जाता है। और मैंने सुना है किसी से कि उसने 999 गेट्स नॉक किए लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर एक दिन 1,000वां गेट जब उसने नॉक किया तो उसके आगे जो अंग्रेज खड़ा था उसने बोला प्लीज कम इन, उसको बुलाया, उसने उसको बताया कि मेरे पास एक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है आप मुझे बना के दिखा सकते हो हमें। तो उसने सारे फैमिली मेम्बर को बोला हाँ ठीक है मैं बना सकता हूँ, आप सामान मंगवा लीजिए। वो सामान मंगवाया गया और वो रेसिपी बना करके दी गई, वो जब खाई गई तो उनको इतनी अच्छी लगी, तो उस बंदे ने जिसको बना के दी उन्होंने कर्नल सैंडर्स से कहा कि क्या आप कल आ सकते हो, बोला हाँ। तो कल उसने कुछ दोस्तों को बुला लिया और उन सबके सामने फिर उसने वो रेसिपी दोहराई और बना करके खिलाई। वो इतनी फेमस हुई, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे